दोस्तों, आज हम रूटिंग, सकिंग और शॉरिंग रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? रूटिंग रिफ्लेक्स यानी न्यू बॉर्न में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जब भी न्यू बॉर्न के लिप के अराउंड कुछ टच होता है तो वहाँ उस साइड वो मुंह खोलने लगता है इस तरह, जैसे कि वो निपल सर्च कर रहा हो। यानी जनरली न्यू बॉर्न में किस लिए होगा? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो उसके यानी लिप के चारों ओर कहीं पर भी टच करोगे तो वो उस साइड मुंह खोलता है। इसको बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। बेसिकली किसके लिए होता है? ये ब्रेस्ट मिल्क के लिए होता है। इसमें क्या होता है, न्यू बॉर्न निपल को सर्च मारता है। दूसरा होता है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब यानी रूटिंग रिफ्लेक्स तो हो गया कि यानी किसी को भी लिप के अराउंड टच करने पर उसको सर्च मारता है। सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो भी यानी सर्च होता है उसको, सपोज कोई निपल सर्च हो गया, तो उसकी तीन स्टेप होती है। पहली स्टेप में क्या होता है कि जो निपल है और एरियोला है उसको अपने मुख इन साइड लेगा, मुँह के साइड लेगा, यानी यूं इस तरीके से। इसके बाद में उसको जो पेलेट होता है ना तुम्हारा, उसके नीचे रहेगा और जबड़े होंगे उसके, मतलब कि गम्स, दांत तो होते नहीं उसके। इसके बाद में तीसरी स्टेप क्या होती है कि जो लैक्टिफेरस टिब्यूल है ना, उसको पेलेट और टंग और गम के कोऑर्डिनेशन से कंप्रेस करेगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की तरह, जिससे कि तुम्हारा जो लैक्टिफेरस टिब्यूल में जो वो है, तुम्हारा मिल्क जो सिक्रेट हुआ है, वो उसके थ्रू द निपल उसके मुंह में आने लगेगा, है ना। तुमने देखा होगा जनरली जो लोग होते हैं आर्टिफिशियल बोतल वगैरह से पिलाते हैं, तो जो आर्टिफिशियल बोतल होती है उसमें बच्चे को एफर्ट करना नहीं होता, मतलब कि सकिंग करना नहीं होता, तो उसको आदत पड़ जाती है आर्टिफिशियल बोतल पीने से, तो उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है ना वो डिसअपियर होता है। तो तुम बच्चे को पहले बोतल से पिलाओगे, यानी स्टार्टिंग के सपोज 1 महीने तुमने बोतल से पिलाया, इसके बाद में तुम चाहोगे इसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तो बहुत दिक्कत होगी उसको, बहुत कोऑर्डिनेशन मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्स होता है डिसअपियर हो जाता है। हाँ, और तीसरा रिफ्लेक्स होता है स्वेलिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जब अप्रोप्रिएट यानी मिल्क भर जाता है मुँह में तो वो उसका सोलो हो जाता है, तो इसको स्वेलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।